मैं सभी देवी देवताओं की आत्माओं को, मैं सभी फरिश्ताओं को, मैं सभी आत्माओं को आह्वान करता हूँ कि हे सभी देवी देवताएं, ये ज्ञान सुनो और वापस ज्ञान सुनकर दिव्य लोक में चलने की तैयारी करो। और सभी को चाहते न चाहते हुए भी परिवर्तन की ओर जाना ही है। अगर ज्ञान सुनकर स्व परिवर्तन कर लोगे, आत्मा से दिव्यात्मा बन जाओगे, तो दिव्य लोक में जाओगे। और मैं सबको आह्वान करता हूँ कि हे सारे देवी देवताओं की आत्माएं, ये फरिश्ता हैं सब, ये ज्ञान सुनो। मैं ऊपर वाले का मैसेज देता हूँ। ऊपर वाला चाहता है कि तुम्हें फिर से स्वर्ग में ले जाएं, हेवन में ले जाएं। सब वापस चलो, दिव्य लोक चलो, दिव्य स्वरूप धारण करो, दिव्य बुद्धि, ये सबको आह्वान करता हूँ। सभी देवी देवताएं मेरे पास आओ, ज्ञान सुनो और वापस दिव्य लोक में जाने का ज्ञान समझो। वापस तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, आत्मा से परमात्मा, जीव से शिव बनना है। वापस दिव्य लोक जाना है। सृष्टि बहुत परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन होना है। नेगेटिव से पॉजिटिव परिवर्तन होना है, वायुमंडल चेंज होना है, सब कुछ चेंज होना है, पॉजिटिव होना है। अवैध से अवैध दुनिया बननी है सब। इसलिए सबका बार बार आह्वान करता हूँ, दिन रात में आह्वान करता हूँ, मेरे पास आओ, ज्ञान सुनो और ज्ञान सुनकर ऊपर वाले का मैसेज सुनो। मैं ऊपर वाले का मैसेंजर हूँ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी का मैसेंजर हूँ, उसका मैसेज दे रहा हूँ। ऊपर वाला बेहद का रचयिता, बेहद का बाप, सारे जहाँ का नूर सबको ऊपर बुला रहा है। साथ सारे जहाँ का नूर जो है वो ऊपर दिव्य लोक में सबको आह्वान कर रहा है। वापस तुम परम धाम में आओ, दिव्य लोक में आओ, दिव्य स्वरूप में आओ, स्वर्ग में आओ। और मैं उनका मैसेज दे रहा हूँ सभी।